सो गाइस, मैंने इस वीडियो में फेस कैम करने की कोशिश की थी, बट फेस कैम वाली सारी फुटेज करप्ट हो चुकी है, इसलिए इसमें आपको फेस कैम नहीं दिखाई देगा। सो सॉरी गाइस, आज के लिए बिना फेस कैम वाली फुटेज के थोड़ा कर लगा रहा, जस्ट प्लीज। सो यार, अभी वीडियो को स्टार्ट। सो ब्रांड न्यू वीडियो, सो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं अपनी वही हॉरर सीरीज स्कैरी फिल्म्स यूट्यूब चैनल ऊपर पार्ट 3। यस गाइस, और पार्ट 3 हमारा नाम सुन के आप समझ गए होंगे। आज के हमारे कॉन्टेंट सप्लाई फिर से है स्कैरी फिल्म, जिसकी चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक इट आउट कर सकते हो। तो ये इन वीडियो में जो आज हम देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट कर लेना। अगर आपको पूरी वीडियो आज ही देखनी है, अगर आप नहीं रुकते तो नेक्स्ट पार्ट का, तो ऑलराइट गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का बटन को बाद में दबाना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन एंड मेरे वीडियो को लाइक प्लस और शेयर करना। तो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है 7 रियल गोस्ट वीडियो कैप्चर्ड बाय समर। Sorry guys, famous ghost hunter that will make your every night scary. Night scary. Number one, the night stalker. इस वीडियो को डायनो नगर्स ने शेयर किया था, एंड मुझे डायनो नगर्स के साथ चल रही और होती हुई आ रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा बातें करने की शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा इस चैनल पर कवर किया है। हाल ही में अपना पूरा का पूरा घर बदलने के बावजूद भी डायनो के साथ में हो रही घटनाएं कम नहीं होती, एंड जो वीडियो आप देखने वाले हो वो तो सच में आपको काफी ज्यादा स्केयर्स देने वाली है। क्योंकि जब एक रात डायनो आराम से सो रहे थे तब अचानक उनका फायर अलार्म बजना शुरू हो गया था, एंड इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी जाने अनजाने में इनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। तो एक बार ध्यान से जरूर देखना इस क्लिप को। अचानक बहुत सारा स्मोक, न जाने कब से कैद हो रहा था इनके न्यू हाउस। जब ये चेक करने गए तो इवन इनका गैस स्टोव भी ऑन था, वो भी खुद से, विच वॉज अ क्रेजी सिनेरियो। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्लियरली एक ब्लैक शैडो फिगर भी इस फ्रेम में कैप्चर हो गई थी, जो बाद वाले किसी भी फ्रेम में रिकॉर्ड होती हुई नजर नहीं आती। तो क्या अगेन वही ईविल एंटिटी आज भी डायनो नगेट्स के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए रखी है? अपनी राय भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर टू, द हॉरिफाइंग स्टोरी। इस वीडियो को एक टिकटॉक यूजर ने काफ़ी सारे पार्ट्स में शेयर किया था। दरअसल टिम एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम करते होते थे किसी लोकल प्राइवेट कंपनी की फैसिलिटी में, एंड टिम के अलावा ये मान लो कि कोई भी स्टाफ रात में काम करने में कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि इस बिल्डिंग से श्योरली ऐसा कोई तो डार्क पास कनेक्टेड था जिसके बारे में टिम को काफ़ी कुछ देखने को तो मिलता था, लेकिन तब भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। एक एक्चुअली में पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग में एक एसी लीक है, एंड उस एसी लीक की पाइप बिल्डिंग के अबेंडेंड एरिया में जा रही थी, जहां पर लिटरली कोई भी नहीं जाता होता था। और जब टिम उधर गए तो उनको ये चीज़ समझ आने लग गई थी कि वहां क्यों कोई जाना पसंद नहीं करता होता था। देखिए कि इनकी पहले क्लिप में आया क्या था।
इनको ऑब्वियसली उस जगह में से काफ़ी ईरी वाइब तो आ ही रही थी, लेकिन उसके अलावा इनको किसी अनजान चीज़ के हंसने की आवाज़ भी आती है और उसके साथ ही साथ किसी के पैर भी इनको दिखाई दिए थे। लेकिन जब उन्होंने वही दरवाज़ा खोला था तब वहाँ कोई भी नहीं था। इसी जगह में जब इनके साथ एनकाउंटर हुआ तो वो क्यूरियस हो गए थे कि ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में जो इतना ज़्यादा हॉन्ट कर रही है इसको। एंड इसी थिंकिंग के साथ ही अपनी एक्सप्लोरेशन फर्दर लेकर जाते हैं एंड एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर का ऑलमोस्ट सारा यूजलेस सामान एंड वेस्ट आइटम्स रखे हुए थे। लेकिन कंपनी वालों को डेफिनेटली ये नहीं पता होगा कि इन सारे सामानों के बीच में एक अनजान एंटिटी भी जरूर रह रही होगी। Hello? Who's there? Hello? एक मैनिक्विन का अपने आप गिर जाना, रैंडम कांच का टूटना और एक वुमेन की रोती हुई साउंड्स लगातार आना, ये सब कुछ काफ़ी अजीब था उनके लिए, इसलिए वो एक्सप्लोरेशन अपनी जारी ही रखते हैं। एंड फर्दर सीन में एक और भयानक नज़ारा उनका इंतज़ार कर रहा था। Who's there? जिस छोटी सी जगह में से ये चीज़ हो रही थी, श्योरली उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट होने का, या इवन कोई वहाँ खड़ा भी हो सकता था बहुत आराम से। तो फिर ये घटना कैसे घटित हो रही थी वो शायद इनकी नेक्स्ट क्लिप को देखकर आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर एक ब्लैक एंड लाइफलेस एपरिशन भी कैप्चर हो गई थी जो वहाँ से गायब होने के बाद एक बार भी वापस नहीं नज़र आती है। इतनी सारी घटनाओं का अब आखिर में क्या मतलब था? क्या सच में कोई इविल स्पिरिट उनकी कंपनी बिल्डिंग को हॉन्ट करती होती थी, या फिर एवरीथिंग वॉज काइंडा एक्सप्लेनेबल? आपको क्या लगता है? नंबर 3, लाइफ एंड पैरानॉर्मल। इस वीडियो को भी एक टिकटॉक यूज़र ने ही शेयर किया था जिसके अंदर वो और उनकी वाइफ जब अपने घर में आराम से रहने की कोशिश करते होते थे तब अचानक उनके उस पीसफुल मोमेंट में कोई रुकावट आना शुरू हो जाती थी। एंड जो चीज़ें इनके साथ में होना शुरू हो गई थी उसके पीछे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास में। इन लोगों को बस ये पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इनके घर में, जो कि ह्यूमनली सॉल्व करनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए ये लोग अपने मोस्टली हर मोमेंट को रिकॉर्ड करने लग गए थे। और कुछ ही टाइम पहले इन्होंने एक ऐसी वीडियो शेयर करी थी जो तब की थी जब ये लोग एक इवनिंग नैप ले रहे थे, और तभी देखिए कि इनके कैमरा फ्रेम में क्या चीज कैप्चर हो गई थी। इस रैटलिंग डोर वाले इंसिडेंट के बाद इसी दिन की नाइट को ये लोग जब अपने लिविंग एरिया में एक मूवी एंजॉय कर रहे थे तभी इतने में इनके किचन का कबर्ड डोर भी अब पैरानॉर्मली मिसबिहेव करने लग जाता है। एंड इवन उस इंसिडेंट को चेक करने का भी कोई फायदा नहीं होता उनको, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिल रही थी। अब इस रात में इन सब घटनाओं के बाद तो चीज़ें एक बार शांत हो गई थी, लेकिन अगली रात को वो भी आधी रात के समय में ये सारी चीज़ें फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। एंड एक ऐसा खौफनाक नज़ारा भी कैप्चर हो गया था उनके कैमरा में जिसके अंदर फिर से क्रीपी अननोन साउंड्स इनके पूरे घर के अंदर कैप्चर होना शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब का सोर्स आज तक भी किसी को पता नहीं चला है, इवन उनको भी नहीं।
fucking see. I told you. There's no one in there. तो क्या इस यूज़र के घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? नंबर 4, ईविल पैरानॉर्मल लिविंग। अब जो वीडियो आप देखने वाले हो वो एक घर के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज है जिसके अंदर आप एक गर्ल चाइल्ड को देखोगे प्ले करते हुए एंड इवन बाद में अपना होमवर्क करते हुए भी। एंड इसी बच्ची के मम्मी पापा ने तो ये सर्वेलेंस सिस्टम इसलिए इंस्टॉल करवाया था ताकि वो अपनी बेटी को मॉनिटर कर पाए जब जब वो बाहर हो या फिर वो काम पर गए हो, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे एंड कभी कभार हर वक्त अपनी डॉटर के साथ नहीं रह पाते थे। लेकिन एक रात जब वो बच्ची अकेली थी घर में तो उसके साथ काफी अनइमेजिनेबल हैपनिंग्स होने लग गई थी। सबसे पहले ये वाली रिकॉर्डिंग देखो एक बार जिसके अंदर शी इज प्लेइंग विद हर डॉल्स। क्या आप वो देख पाए? इस बच्ची की एक डॉल काफ़ी ज़्यादा सडन रैंडम मोमेंट शो करने लगती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आप देखोगे कि जब ये चाइल्ड अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रही थी तो एक अनजान चीज़ उसके काम के बीच में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली इंटरप्ट कर देती है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी डॉटर को अकेला छोड़ा होगा फिर से। बट आपके क्या विचार हैं इस वीडियो में एंड ऐसा कैसे हो रहा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, द अबेंडेंट। हे गाइस, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। गाइस, मैं इस वीडियो मेरा ये ऐसी इसी चैनल पे और भी काफी ज्यादा वीडियोस है, तो आप क्या कहते हो मैं एक लाइव स्ट्रीम रखूं इसके लिए एक अलग से या नहीं, मेरे को बताओ यार। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव में सारी इसका वीडियो देखूंगा जितनी हो सके। आई विल ट्राई माय बेस्ट गाइस, आप बताना है हमको कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना प्लस शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड बेल आइकन को फुल ऑन मत भूलना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। एंड मैं डिस्कॉर्ड हो ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।